हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वक्ष के आंकड़े पत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। लगभग हमारा जो ये कार्य पुस्तिका का सॉल्यूशन है वो फिनिश होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे OCR आधारित आकलन 3rd का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुने, क्या यह बात सही है कि ऊँट अपने पानी में कुबड़ में पानी रखते हैं? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऊँट लगभग 1.5 महीने तक बिना पानी के रह सकता है। वो एक बार में अपने कुबड़ में 35 लीटर तक पानी को एकत्रित कर लेते हैं। और कई जगहों पर जैसे है ऊँट, दो कुबड़ वाले भी ऊँट पाए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर दो कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, लद्दाख, जो कि हमारे इंडिया में ही है, इंडिया का एक पार्ट है। तो लद्दाख में दो कुबड़ वाले ऊँट मिलते हैं जो कि एक कुबड़ वाले ऊँट से ज़्यादा पानी एकत्रित कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है, ठंड का क्षेत्र रहता है, तो इसी कारण। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द चुने, स्नेहल ने अपने लिए नीले मोजे खरीदे, मोजे की विशेषता की नीले है वो, तो ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने। तो अरे वाह में वाह बोल रहे हैं, मैंने आपको कहा था, कई बार कह चुकी हूँ कि जब आप आश्चर्य करते हैं तो उसके बाद में लगता है विस्मयादिक चिन्ह, तो यहाँ पर हो जाएगा अरे वाह विस्मयादिक बोधक चिन्ह, आज तो मजा ही आ गया पूर्ण विराम चिन्ह, तो ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो देखिए, नेहा, रेखा, सोनी, तीनों के बीच में क्या लगेगा? कॉमा लगेगा, क्योंकि अलग अलग नाम है। तो नेहा, रेखा, सोनी और राम खेल रहे हैं, इस तरह से हो जाएगा। रमा सुंदर नृत्य कर रही है, रेखांकित शब्द क्या है? तो सुंदर नृत्य क्या है, ये क्रिया विशेषण। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका वचन बदलता है? फल एक वचन में हो जाएगा और फलों बहुवचन में हो जाएगा। कभी भी प्रेमो, गुलालो, कैसरो नहीं होता है, फल हो जाता है, फल का बहुवचन बन जाता है फल। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो ये क्या है? शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन 1st करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं एक वृक्ष हूँ जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ, किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए, नहीं किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तो हमें दर्द होता है, तो एक पेड़ अपनी व्यथा को बता रहा है। तो आप सभी शिक्षित हैं, 8th क्लास में पढ़ रहे हैं जो भी वीडियो देख रहा है, तो आपके आसपास अगर आपको कोई पेड़ काटता हुआ नज़र आए ना, तो उसका वीडियो बना लीजिए और अपलोड कर दीजिए, कहीं भी फेमस कर दीजिए उस वीडियो को, ताकि वो पेड़ काटने वाला जल्द ही पकड़ा जाए और वहाँ से पेड़ नहीं काटा जाए जिस जगह से वो पेड़ काटा जा रहा है। क्योंकि पेड़ जहाँ से काटा जाता है ना, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनने वाला होता है, तब भी पेड़ काट दिए जाते हैं। और पेड़ अगर जिस जगह पे है वहाँ पर कुछ बनने की योजना चल रही है, तो साइड से भी हो सकती है वो योजना, पेड़ को व्यवस्थित रख कर। मैंने ये देखा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पेड़ बीचों बीच है, तो पेड़ बीचों बीच ही रहेगा, उसको काटा नहीं जाता है, दोनों ओर से रास्ता निकल जाता है, बट पेड़ को वहीं रखा जाता है। तो ये बहुत अच्छी विशेषता दिखी मुझे महाराष्ट्र के लोगों में, कि वो पेड़ों को बहुत कम काटने देते हैं, स्पेशली पुणे में, बड़े शहरों में, मुंबई में मैं कह नहीं सकती हूँ, बट मैंने पुणे में देखा है। आप खुद भी जब जाएंगे पुणे, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं ना, वो लोग काफ़ी संख्या में भी लगाते हैं और काटने नहीं दिया जाता है पेड़ पौधों को। हाँ, कोई ज़मीन ले ले और ज़मीन में से कोई काट रहा है तो बात अलग है, बट रोड पर नहीं काटा जाता है पेड़ को वहाँ पर। बहुत पुराने पुराने बरगद की श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पर। तो आपको भी अगर कहीं ऐसा कोई दिख रहा है या होता नज़र आ रहा है, तो आपको भी रोकना चाहिए। पेड़ पौधे नहीं होने पर क्या होगा? कि बरसात नहीं होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा, तो उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहा है कौन? बता रहा है पेड़। यह गद्यांश किस विधा में लिखा गया? ये है आत्मकथा, जो कि पेड़ की है, तो ऑप्शन 1st करेक्ट हो जाएगा। तो ये डन होता है OCR आधारित आकलन 3rd का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे।
तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।